नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अब हम बात कर रहे हैं जिला बिजनौर के नगीना की, जहां पीडीएम डिग्री कॉलेज पुरैनी के मैदान में ब्लॉक स्तरीय बाल क्रीड़ा एवं शैक्षिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में गन्ना विकास समिति के संचालक विकास राजपूत मौजूद रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिताओं का शुभारम्भ किया। अतिथियों का फूलमाला पहनाकर वह बैच लगाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी इंद्रदेश सिंह ने की तथा संचालन वरिष्ठ शिक्षक अशोक कुमार ने किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। मुख्य अतिथि गन्ना विकास समिति के संचालक विकास राजपूत ने हरी झंडी दिखाकर क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। न्याय पंचायत व नगर क्षेत्र नगीना के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बालक बालिका वर्ग में खो खो, कबड्डी, लंबी कूद, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़ में बालक बालिकाओं ने अपना दमखम दिखाया। प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को खंड शिक्षा अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने शील्ड व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। गन्ना विकास समिति के संचालक विकास राजपूत ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि खेलों से शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। ऐसी खेल प्रतियोगिताओं से खेल प्रतिभाओं का विकास होता है। बच्चे मंडल नहीं, प्रदेश नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी गेम खेल रहे हैं। अभी हाल ही में लवी चौधरी यही कोतवाली के पास रहमापुर गांव का है और वह वॉलीबॉल में इंटरनेशनल लेवल पर खेल कर आया है। अभी उनके मान सम्मान में एक समारोह हुआ था ब्लॉक कोतवाली में दयानंद इंटर कॉलेज। उससे पहले लड़की मेघना है जो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेल चुकी है, खेल रही है। तो हम चाहते हैं कि और खेल में भी दौड़ है, लंबी कूद है, कबड्डी में भी हमारे जिले के लोगों ने नाम रोशन किया, राहुल चौधरी है। तो सभी गेमों में जिसमें जिस बच्चे की रुचि हो, और शिक्षकों भी ध्यान दें कि जिसमें जिस बच्चे की ज्यादा रुचि है, बहुत सारे गेम है, बहुत से गेम ऐसे जिन्हें हम खेलते नहीं है, बैडमिंटन भी है, उसमें टेबल टेनिस भी है, कुछ हमारे पास अभाव भी है कि हम सारे बच्चों को सारे गेम्स की सुविधा नहीं दे पा रहे, लेकिन जितने हैं उतने में भी हम पूरा नहीं कर पा रहे। कबड्डी हुई जिसमें कुछ चाहिए नहीं, शारीरिक क्षमता चाहिए, ऐसे बहुत गेम है, लंबी कूद है, भाला फेंक है, गोला फेंक है। तो धीरे धीरे मैं खंड शिक्षा अधिकारी यहाँ मौजूद हैं उनसे भी कहूंगा कि वो थोड़ा थोड़ा सामान ब्लॉक स्तर पर कम से कम एकत्र कराएं, जिससे कि जब ये ब्लॉक स्तरीय गेम्स हों तो उनको ला करके बच्चों को यहाँ प्रैक्टिस कराकर उसमें खिलाया जाए। जो भी ब्लॉक कोतवाली से हो सकेगा, जो मदद होगी उसके लिए ब्लॉक कोतवाली हमेशा आपके लिए सदैव तत्पर है। जब भी मुझसे किसी काम के लिए कहा जाएगा मैं उसमें पूरा भरसक प्रयास करूंगा। पहले हमारे कोतवाली में कोई खेल अधिकारी नियुक्त नहीं था, अब उसमें खेल अधिकारी नियुक्त हो गए हैं, मुजफ्फरनगर के हैं, कोतवाली ब्लॉक पर बैठते हैं। कभी भी हमारे व्यायाम शिक्षक को या किसी शिक्षक को गेम संबंधी कोई ब्लॉक स्तर पर जिला स्तर पर सूचना चाहिए या जैसे स्कीम आती रहती है उसमें। इस मौके पर पीडीएम डिग्री कॉलेज पुरैनी के प्राचार्य आर के शर्मा, व्यायाम शिक्षक राम प्रसाद, वरिष्ठ शिक्षक अशोक कुमार, विनोद कुमार शर्मा, मनीष राणा, परवेज आदिल, डॉक्टर यशपाल सिंह, गर्वित चौधरी, कामनी दिवाकर, उमेश राजपूत, ओमकार राणा, नीरज वर्मा, के डी आर्य, मीनाक्षी चौधरी, रहमत इस्लाम, नृपेंद्र कुमार, सुरेंद्र सिंह, चांद कुमार आदि खेल शिक्षक व गणमान्य लोग मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।